नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ऐतिहासिक जगह ढूंढ के निकाला हूँ नागपुर में जो रुक्मणी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मेरे पीछे में आप ये देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा एरिया है अंदर में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी बाउंड्री आप देख सकते हैं, किले की तरह आपको दिखाई दे रही है पूरी। ऊपर से अगर आप थोड़ा हल्का देखोगे तो आपको पूरा किले की तरह दिखाई देगा, लेकिन ये किला नहीं है, ये एक रुक्मणी मंदिर है। और यहाँ का जो नक्शी काम है ना, इतना अमेजिंग है कि आपने आज तक नहीं देखा होगा। यानी इतनी प्रॉपर फिनिशिंग और बहुत ही खूबसूरत है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अंदर और पूरा देखते हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा गाइज कि हम इतने मेहनत से वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये देखने को नहीं मिलते और पता नहीं चलता, क्योंकि सिटी इतनी बड़ी है, इतनी बन चुकी है ना कि पता ही नहीं चलता कहाँ पर क्या है। लेकिन हम लोग ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं और आज आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत मंदिर है। सो गाइज, इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो गेट है, ये काफ़ी बड़ा गेट है यहाँ पे, और ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। इधर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इधर साइड में किले की तरह आपको दिखाई देगा, और जो ये पुराना ही है पत्थर से, तो उधर के एरिया तक के आपको दिखाई देगा, जो उधर तक के सीधा आपको दिखाई दे रहा है। तो हम इसके अंदर चलते हैं और पूरा अंदर का व्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आज भी उस ज़माने के लकड़ी के दरवाजे आपको दिखाई देंगे, लकड़ी के गेट। और इन गेटों में एक खास बात होती है कि साइड में इनमें कब्जे नहीं होते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर में ये फूक में फंसे हुए है ना, और पूरा आप देख सकते हो कि इसका सीलिंग किस तरीके से बनाया हुआ है। तो गेट के दोनों साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक खचके टाइप के दिखे देंगे, जो एक छोटे कमरे की तरह है इस साइड में भी और दोनों तरफ में। तो गेट के अंदर से हम इधर आने के बाद में आपको पूरा रजवाड़ा की तरह दिखाई देगा, और यहाँ पर जो मंदिर है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो प्लेस है इसको बारादरी बोलते हैं, बारादरी गेट, और क्योंकि इसमें 12 खंभे आपको दिखाई देंगे जो कि संगमरमर के, और देख सकते हो कि इसकी जो फिनिशिंग है और ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है, और ये एक ओटे के ऊपर में है, आपको चबूतरा जैसे दिखाई देगा चारों तरफ से। और इसमें जो डिज़ाइन है वो आप देखिए कि कितनी खूबसूरत है। इसमें इधर से ऊपर चढ़ने के लिए भी दिया हुआ है, और ऐसा ही और एक है अंदर में, तो हम उधर भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये बनाया हुआ है ना, तो इसमें जो बेसिक है इसका जो फाउंडेशन बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे प्रॉपर तरीके से बारीक छोटे छोटे नक्शे काम किए गए हैं, और इसका पिलर देख सकते हो। यानी ऐसा नहीं कि सिंपल ऐसा ओटा बना दिया गया है, एक चौकोन पत्थर बना दिया गया, ऐसा नहीं है, बहुत ही इसमें बारीक काम किया गया है। यहाँ के जितने भी मंदिर है सभी में बहुत बारीक काम आपको दिखाई देगा। और अंदर से अगर आप देखोगे तो अंदर से देख सकते हो कि लकड़ी के पट्टियाँ आपको दिखाई देंगी, इसकी सीलिंग जो है। तो यहाँ पे हम खड़े हो सकते हैं, इतनी हाइट यहाँ पर है, और यहाँ पे देख सकते हो कि चौकोन चारों तरफ से बहुत ही एकदम परफेक्ट यहाँ पे डिज़ाइन, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो फूल है, और इसका जो पूरा डिज़ाइन है, और ये जो जितनी भी कटिंग है और फिनिशिंग है, ये मशीन से नहीं होती थी, उस टाइम में मशीनें नहीं थी, ये पूरा काम जो है हाथों से होता था। और इसकी जो घिसाई है आप देख सकते हो कि कितना प्लेन इसमें बनाया गया है, और पूरे पिलर के डिज़ाइन और आकार एकदम बिल्कुल सेम है सभी का। तो यहाँ पे अंदर में मंदिर है, हम मंदिर में भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम बजरंगबली के मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो एंट्रेंस है, अब ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मंदिर में जो चढ़ने के लिए सीढ़ी है यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी ये जो साइड का बनाया गया है ये भी पत्थर का ही है, और पत्थर को पतला कटिंग करके ऐसा बनाया गया था, ये एकदम पूरा परफेक्ट लगे और अट्रैक्शन बहुत ही गजब का। और यहाँ पे देख सकते हो कि उस ज़माने में लोहे की कड़ियाँ फंसाई जाती थी, हमने बहुत सारे मंदिरों में देखी है, और ये लोहा बहुत मजबूत होता था, जो आज तक ये कड़ी नहीं सड़ी है, जबकि इसको 300 साल तो हो चुके, 300 साल से ज़्यादा। और ये पूरा ओटा आप देख सकते हो कि इधर में अंदर में, इधर से आसपास जो है इसके थोड़ा कचरा हो चुका है। तो हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, और ये आप अगर देखोगे तो ये आपको लगेगा कि ये टाइल्स बाद में बैठा ली गई है, तो नहीं है, ये जितनी भी टाइल्स है यहाँ मंदिर में ये पुरानी ही टाइल्स है, ठीक है। यानी उस ज़माने में जब मंदिर को बनाया गया था उस वक्त जो ये टाइल्स बैठा ली गई थी, तो उसी टाइम की ये टाइल्स है, ठीक है। और आसपास के पत्थर देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े चौकों ने यहाँ पर पत्थर आपको दिखाई दे रहे, जो आज भी प्रॉपर है। और पीछे से भी पूरी डिज़ाइन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, इधर में देख सकते हो। और ये जो है ना, ये जो आपको होल दिख रहे ऊपर में, यहाँ पे ना गाइस एक ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइन वाले फूल रहते थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरे एक मंदिर में मैंने देखे है वाले जो यहाँ के निकल गए, ठीक है, वो खूबसूरती के लिए इसमें फंसाया जाता था। और देख सकते हो ये होल में
तो ये वो गिर गए या फिर निकाल लिए गए पता नहीं है, लेकिन वो मैं आपको दूसरे मंदिर में दिखाऊंगा कि इसमें किस तरीके से डिज़ाइन जो है फंसी हुई रहती थी, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी हम सामने में गणेश जी का मंदिर है, यानी पूरा वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर को बनाया गया है एकदम परफेक्ट, किस दिशा में कौन सा मंदिर होना चाहिए वैसे ही इसमें जो है आपको दिखाई देगा। तो बताया जाता है कि यहाँ पे जो है एक फाउंटेन टाइप का रहता था जो बुझा दिया गया है, और एक ऐसा ही सेम उस साइड में भी है, दीवार के पीछे में एक मंदिर है जो मेन रुक्मणी जी का मंदिर है और इधर में शिव जी का है। तो हम पहले गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे पायरी की तरफ में आपको दोनों साइड में दिखाई दे रहा है, तो पत्थर उस साइड का एक टूट गया है, ठीक है, उधर का एक साइड का टूट गया, लेकिन इधर साइड दोनों तरफ है, और पुराने होते हैं तो पत्थर कच्चे हो जाते हैं तो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे हम गणपति बापा के दर्शन कर लेते हैं। गणपति बापा के यहाँ पे देख सकते हो चूहा जो वाहन है वो भी साथ में ही है, और यहाँ पे रोज पूजा करने के लिए आते ही है आसपास के जितने भी लोग हैं यहाँ मंदिर में पूजा करने रोज आते हैं। तो ये भी पूरा संगमरमर का है, यहाँ पे भी पूरी डिजाइन आपको दिखाई देंगी मिल रही है। तो अभी हम चलते हैं मेन ये मंदिर और याला मंदिर देखते हैं, इसका नक्शी काम आपको दिखाता हूँ। तो ये कड़ियाँ जो है आपको सभी तरफ दिखाई देंगी, ये कड़ियाँ देख सकते हो, ये यहाँ पे क्यों कड़ी फंसाते थे तो पता नहीं है, लेकिन मंदिर में सभी तरफ हो सकता है कि मंदिर को अगर डेकोरेट करना हो तो जैसे हम लोग फूलों के हार बांधते हैं तो उस टाइप का उसमें लगाने के लिए उसमें कड़ियाँ रहती होंगी। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे एक आपको लोगो दिखाई देगा जो बनाया गया है, पेंटिंग ये बाद में की गई है मंदिरों में, पहले पेंट नहीं था। और यहाँ पे काफ़ी सारे पिलर हमें ऊपर में देखने को मिल रहे हैं, और ये पूरे पिलर लकड़ी के हैं देख सकते हो आप, ये देखो कि लकड़ी का डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। ये देखो मोर के डिज़ाइन के इसमें जो है लकड़ी में बनाया गया है पूरे मोर के आकार का, और इसकी जो प्रॉपर बारीक फिनिशिंग है बहुत ही गजब है, अमेजिंग। और ऊपर की सीलिंग जो है लकड़ी की है जो अभी भी सही सलामत है 300 साल से, और बाहर की छप्पर अगर आप देखोगे तो ये भी आपको लकड़ी की ही दिखाई देंगी देख सकते हो। अभी हम मंदिर के आसपास नहीं जा सकते क्योंकि इधर में काफ़ी कचरा है, लेकिन यहाँ से मैं आपको मंदिर का जो डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मूर्ति है क्या वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी गाइज मूर्ति रही होंगी, अभी मूर्ति नहीं है, लेकिन इतना खूबसूरत आप देख सकते हो कि कितना अमेजिंग इसको बनाया गया है, और बहुत ही बढ़िया है यार। ये चीज़ें आजकल देखने को नहीं मिलती है सब डिज़ाइनें, लेकिन अगर आप देखोगे तो पूरा दिन इसको देखने में आपको लग जाएगा। देख सकते हो कि इधर में भी जो है इसके पत्थर का स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, और बाकी मंदिरों में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए ये पत्थर उनसे थोड़े अलग हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो मुरमुरे और वो पीले पत्थर दिखाई देते थे, लेकिन ये पत्थर की मजबूती ज़्यादा है उनसे। और पूरा बेसिक जो बेसमेंट है इसका देख सकते हो नीचे में कैसा है, फिर उसके बाद में कैसे है कैसे पत्थर, और पूरी डिज़ाइन जो है एक जैसी ही इसमें डिज़ाइन है। और ऊपर में यहाँ पे आपको इधर में ऊपर में भी दिखाई देगा, देखो पूरी चोटी तक कितनी बारीक डिज़ाइन है, हम जूम करके दिखाते हैं है ना। इसमें पूरे लकड़ी का ही है, यानी ये कहीं कहीं हमने जो मंदिर देखा है और मंदिर के जितनी भी चीज़ें होती है आंगन में जो भी, तो पत्थर का ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ के मंदिरों में बाहर का जो स्ट्रक्चर है वाला ये पूरे लकड़ी का है, और सिर्फ इसका जो गर्भगृह है वो यहाँ पे संगमरमर का आपको दिखाई दे रहा है। नहीं तो हर जगह संगमरमर का भी नहीं दिखाई देता, नॉर्मल पत्थरों का होता है, लेकिन यहाँ पे जो गर्भगृह है ये संगमरमर का है। और मूर्तियाँ तो वैसी ही सेम है जो हमने अभी तक के जितने भी मंदिरों में आपको दिखाई है, सेम टू सेम मंदिर की मूर्तियाँ यहाँ पर भी है। पहले हम मंदिर का बाहर का भाग देखते हैं, जैसे कि ये बेसमेंट है, इसका जो बेस होता है ये यहाँ ये जो है बुझा हुआ नहीं, तो नागपुर में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जो ऐसे बने हुए थे, लेकिन बाद में बहुत सारे जगह पे मिट्टी यानी डालने के बाद मंदिर जो है आधा ही से ऊपर दिखाई देता है ना, लेकिन इसका बेसमेंट अभी भी जैसा का वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक बहुत ही खूबसूरत आपको एक मूर्ति डिज़ाइन दिखाई देंगी जो काफ़ी अमेजिंग लग रही है देखिए, और इसका बारीक
जो कारागिरी जो की गई है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके दोनों पंख बनाए गए प्रॉपर तरीके से पत्थर पे, वो भी कोर कर, और ये जो बनाया ना बहुत ही प्यारा है, देखिए। और पूरा ऊपर तक है, पूरी चोटी तक के आपको दिखाई देंगे जो बारीक डिजाइन है। अब हम उतना जूम तो प्रॉपर क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कैमरा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे आके एक बार देख सकते हो, देख सकते हो। जो पिलर के स्ट्रक्चर है और इनका जो डिज़ाइन और एंगल बोल सकते हैं कुछ अलग है, यानी कि एक सीधे सीधे एंगल नहीं दिखाई दे रहे, जो एंगल है इनका थोड़ा सा अलग हमें शेप दिखाई दे रहा है पूरे एंगलों का, और पूरा बारीक डिज़ाइन इधर तक के देख सकते हो। और ऐसा ही सेम पूरा मंदिर के आसपास में, और ये सभी मंदिरों का जो एक होता है ना कि अंदर में भगवान को जो नहलाते हैं उसका पानी एक गायमुख के तरह आकार से पानी बाहर जाता है। और ये जो बाहर के रहते थे पत्थर निकले हुए, ये कच्चे होके टूट गए, यानी बहुत जगह पे हमें देखने को मिलते हैं कि पत्थर टूट जाता है बाहर साइड में जो निकला हुआ होता है, तो यहाँ पे भी सेम ये पत्थर साइड का टूटा हुआ है। लेकिन पीछे में भी आप इधर में देखोगे तो इधर में भी सेम डिज़ाइन आपको दिखाई देंगे। सच में अमेजिंग है यार, क्या बनाते थे उस ज़माने में मंदिर, तो मज़ा आता है इन सब चीज़ों को देखने में। अब ये पत्थर जो है कच्चे हो रहे हैं तो थोड़े मुरमुरित हो रहे हैं, है ना, धीरे धीरे, लेकिन फिर भी काफ़ी सालों से टिके हुए, ये बहुत बड़ी बात है। गाइस, क्या आपने ये मंदिर को यहाँ पर कभी विजिट करके देखा था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको अंदर भगवान के दर्शन कराता हूँ। तो जैसे कि हमने सभी मंदिरों में देखा था, सबसे पहले जो दर्शन होते थे वो नंदी जी के होते थे, लेकिन नंदी जी इतने गेट के नज़दीक में नहीं रहते थे, थोड़े दूर रहते थे, यानी जैसे कि यहाँ पे ये गेट हो गया तो इधर साइड में आगे में उधर हमें नंदी जी दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पे जो नंदी जी है वो एकदम गेट के सामने ही है। और यहाँ पे दो मूर्ति और है, शायद ये मूर्ति कहीं और रही होगी स्थापित, वहाँ से निकाल कर या फिर ऐसे जगह पर, तो वहाँ से यहाँ पे अभी मंडा दी गई है दोनों साइड में। और इधर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ऐसा पत्थर का बनाया गया, ये भी पत्थर का ही है, ये जो पूरा डिज़ाइन है ये पत्थरों में फिट है, ठीक है, उसी पत्थर का ये जॉइंट है जिसको ऐसा पूरा डिज़ाइन से बनाया गया। और ये मैंने आपको एक मंदिर में भी दिखाया था इसके पहले, कि जितने भी सामने में मंदिर होता था वहाँ पे इस तरीके से होता था। और यहाँ पे एक ये है, और ये तो शायद ये बाद में चिपकाया है, ये जो है गणेश जी बाद में चिपकाया है। और बाकी ये जो डिज़ाइन है तो सभी मंदिरों में हमें देखने को मिली है, कितने लाइनिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4 ये ऐसी लाइनिंग पूरी यहाँ पे बनाई गई है। और ये एंट्रेंस में ये जो बनाते थे इसको कौन से भगवान बोलते पता नहीं है, लेकिन ये जो है पूरा जॉइंट पत्थर एक ही है, ये इसके साथ में ये अलग से यहाँ पे मंडाई नहीं है, इसी पत्थर को कोर के इसमें बनाया गया है ये फूल और ये, है ना, और ये पूरा पत्थर एक ही है इतना बड़ा। तो ये हमारे शिव जी। गाइस, हमने इसके पहले यहाँ पे मेरा आवाज़ जो है बहुत गूंज रहा है, तो हमने शिव जी जो अभी तक के देखे वो काले पत्थर के हमें दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पे जो शिव जी हमें देखने को मिल रहे हैं ये संगमरमर के हैं। और जैसे कि मैंने आपको रामटेक गढ़ मंदिर के वहाँ पे जो मंदिर थे वहाँ की जो शिव जी की पिंड थी, ये जो पिंड है ये एकदम नेचुरल है और नदी में मिलते हैं ये काले पत्थर। तो देख सकते हो कि इनका आकार कैसा होता था, एक साइड से ये जो शिव जी का आकार है एक लाइनिंग है बरूबर, है ना, ऐसे शिव जी की मूर्ति आपने शायद ही नहीं देखी होगी। और जनरली अभी जो मार्केट में मिलते हैं वो सब अभी संगमरमर के बनाए हुए शिव जी होते थे, तो वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन रियल अगर गॉड है, अगर आप मानते हो शिव जी, तो ये शिव जी की पिंड ओरिजिनल है, ठीक है। तो अगर आप कभी पूजा करना चाहते हो तो ऐसे मंदिर में ज़रूर जाएँ और पूजा करें। तो ये आपको जैसे मैंने बाहर का दिखाया नहाने का, तो यहाँ से ये इस मंदिर का जो पानी है ये देख सकते हो यहाँ से नीचे जाता है, यानी इसमें कचरा वगैरह नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जो पाइप है वो चौकअप हो जाएगा, इसलिए पत्थर रखा गया है। तो सोचिए कि कितना स्ट्रक्चर बनाया गया अंदर के अंदर में, और वो जो है अंदर में, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक जाली जैसे पत्थर को रखा गया है बना के, ताकि मंदिर अगर परिसर पूरा धोते हैं तो उसका जो पानी है
इस जाली से उसी नाली में जाएगा और वो नाली से बाहर चला जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये अंदर से पोकर है, यानी स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही गजब का काम है ये और बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे हमने बाकी मंदिरों में भी दिखाए थे, रामटेक तरफ हम गए थे तो वहाँ पे हमने शूट किया था, तो वहाँ के मंदिरों में हमने आपको दिखाया था तो तीन मूर्ति अंदर में होती थी। सेम यहाँ पर भी तीन मूर्ति है, एक गणेश जी की है देख सकते हो, गणेश जी की है, फिर ये नाग देवता की है और ये शायद सरस्वती हो गए ऐसा मुझे लगता है। और ये जो है एग्जिट एयर जो है यहाँ का, वो एग्जिट होने के लिए ऐसा इस तरीके का रहता था। तो जो तीनों तरफ में मंदिर के आपको दिखाई देंगे, यानी अंदर में कुछ धूप वगैरह जलाते कुछ है तो वो बाहर हवा निकलने के लिए। तो गाइज ये आपने शिवजी का मंदिर देखा जो बहुत ही खूबसूरत है नागपुर के महल में, ऐसे मंदिर शायद ही आपने देखे होंगे और जनरली ये इसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाते हैं, वीडियो बनाते हैं ना। और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ रुक्मणी का मंदिर जो बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा एक ही वीडियो हो जाएगा, तो सेकंड वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रुक्मणी का मंदिर, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों।